सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, एक भाई ने मुझे कमेंट किया जिनके चैनल का नाम है हिंदी कहानी 2.0। इन्होंने मुझे कमेंट किया कि भैया हमारा वीडियो शॉर्ट फीड में जाता ही नहीं है, इस तरीके से इन्होंने कमेंट किया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आज के समय में काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो तो अपलोड करते हैं, वो अपनी शॉर्ट्स वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से अपलोड भी करते थे। मैंने भी आपको काफ़ी बार बताया कि भाई आप इस तरीके से वीडियो को अपलोड करो, अपनी शॉर्ट वीडियो को, तो आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि यूट्यूब क्या करता है, आपकी शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट फीड में नहीं भेजता है, जिसकी वजह से आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जाती है। अब देखिए दोस्तों, अगर यूट्यूब आपकी शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट फीड में नहीं भेज रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यूट्यूब को छोड़कर आपको खुद ब खुद अपनी शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट फीड में भिजवाना होगा, तभी जाकर आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल होगी। अगर आप लोग काफ़ी सारे तरीके लगा चुके हैं, काफ़ी सारे हथकंडे अपना चुके हैं, तो भाई आज की वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आज की वीडियो से शायद आपकी भी शॉर्ट्स वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपकी शॉर्ट्स वीडियो रॉकेट की तरह वायरल हो जाएगी, नहीं। अगर आपकी वीडियो पर 10 व्यूज आते हैं, 5 व्यूज आते हैं, तो आपकी शॉर्ट्स वीडियो पर 1,000, 2,000, 3,000 इस तरीके से व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपकी शॉर्ट्स वीडियो पर 2,000, 3,000, 4,000 व्यूज आते हैं, तो आगे चलकर आपकी शॉर्ट वीडियो पर 10,000, 20,000, 15,000, क्या पता 50,000, 1,00,000 तक भी व्यूज आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आज की वीडियो में मैं आपको कौन सा तरीका बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं आखिर वो तरीका कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लग चुकी है, अब थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनना। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एक मोबाइल है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास 2, 3, 4 मोबाइल है तो और अच्छी बात है। देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा मोबाइल होंगे तो आपकी शॉर्ट वीडियो के चांसेस हाई हो जाएंगे शॉर्ट फिल्म में जाने के। अब वो कैसे होंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल ओपन कर लेना है इस तरीके से। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल ओपन कर लेना है, और यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद आपको कोई अदर जीमेल आईडी ओपन कर लेनी है, जिससे आपका यूट्यूब चैनल है उसको आपको ओपन नहीं करना है। और हाँ, एक बात और सुन लो, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारा इसी मोबाइल में यूट्यूब चैनल है, तो क्या हम इसी मोबाइल से काम कर सकते हैं अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए? बिल्कुल आप कर सकते हो, जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तब तक आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चाहे अपनी वीडियो को प्ले कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, इस बात को गौर से सुन लो, जब तक मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई अदर जीमेल आईडी ओपन कर लेनी। तो मैंने क्या किया, अदर जीमेल आईडी ओपन कर ली, यहाँ से मैं कर लेता हूँ फटाक से अदर जीमेल आईडी। आप इस तरीके से मैंने अदर जीमेल आईडी ओपन कर ली। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कम से कम एक मोबाइल में आपको 20 जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है। 20 नहीं कर पाओ तो 10 कर लो, 15 कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रिएट कर लेनी है, कम से कम 10 जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना। 10 जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद आपको इसी तरीके से कोई अदर मोबाइल में भी 10 जीमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। और जो काम मैं इस मोबाइल में कर रहा हूँ, वही काम आप एक मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 10 मोबाइल, जितने मोबाइल में करना चाहो कर लेना। और आपकी गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फिल्म में जाएगी, 100% जाएगी। देखिए कैसे जाएगी, बताता हूँ। सबसे पहले जैसे आप जिस भी चैनल का शॉर्ट वीडियो वायरल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको उस चैनल का नाम यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मैं अपने एक सेकंड चैनल है मेरा, तो उसका मैं क्या करता हूं यहां पर सर्च कर लेता हूं, ट्रेडिंग का खेल, मेरा एक सेकंड चैनल है उसका नाम है ट्रेडिंग का खेल, ठीक है। इस तरीके से मैं सर्च कर लेता हूं, ठीक है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ओनली आपको क्या करना है, इस तरीके से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, नहीं करना तो ना कर लेना, लेकिन सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पर सेलेक्ट मत करना, ठीक है, और अच्छा रहेगा। तो ऑल पर सेलेक्ट मत कर लेना, ओनली सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से कोई अदर जीमेल आईडी ओपन करके इसी तरीके से फिर से आपको चैनल का नेम सर्च करना है। जैसे मैं फिर से यहाँ से सर्च करता हूँ ट्रेडिंग का, ठीक है, ट्रेडिंग का खेल, इस तरीके से मैंने फिर से सर्च किया और फिर से अपने चैनल को मैंने यहाँ से क्या किया, सब्सक्राइब कर दिया, कर दिया। इसी तरीके से आपको 10 जीमेल आईडी, 15 जीमेल आईडी या 20 जीमेल आईडी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान से देखना, सब्सक्राइब करने के बाद होगा क्या मैं बताता हूँ। देखिए आपको बैक आना है, बैक आने के बाद इस मोबाइल को आपको हटा देना है, ठीक है। हटा दिया, सब्सक्राइब हो गया चैनल। अब दोस्तों शॉर्ट फिल्म में जाएगी कैसे, वही तो बता रहा हूँ, देखिए आप सुनिए। जैसे मान लीजिए आपने अपने मेन चैनल, जैसे मैं यहाँ पर देखिए अपना मेन चैनल ओपन करता हूँ, अभी तो मैंने जो है अपनी 10 जीमेल आईडी से अपना चैनल को सब्सक्राइब किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा वही चैनल यहाँ पर देखो ओपन हो चुका है, जिस चैनल की मैं शॉर्ट वीडियो को वायरल करना चाहता हूँ। देखिए वही चैनल मेरा ओपन हो चुका है, जिस वाली शॉर्ट्स वीडियो को मैं वायरल
करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और चेक कराता हूँ, सबसे पहले मैं अपना वाइट स्टूडियो आपको चेक कराता हूँ। चेक कराने के बाद सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को अपलोड हुए एक दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये मेरी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो रही है और होगी भी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यही गलती आप लोग कर रहे हो भाई, गलती करके मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर दिया या अपनी शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट फीड में भेजा ही नहीं। मैं चेक भी करा देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे देखो मैं यहाँ पर एनालिसिस पर गया और यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ, देखो मेरी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में जा ही नहीं रही, ओनली कम लोगों के पास देखो 92 व्यूज़ आए ओनली शॉर्ट फीड से। अब मैं आपको एक और वीडियो चेक कराता हूँ, जिस ट्रिक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वही ट्रिक मैंने इस वीडियो में यूज़ किया। देखिए मेरी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में चली गई, देखिए यहाँ पर पूरा ट्रैफिक शॉर्ट फीड से आया, जहाँ कितने व्यूज आए थे 150 व्यूज आए थे और इस पर कितने व्यूज आ गए शॉर्ट फीड से 2000 व्यूज आ गए। तो मैं यही बोल रहा था कि अगर आप इस ट्रिक का यूज़ करोगे तो 100% व्यूज आएंगे, लेकिन अब भाई ट्रिक का यूज़ कैसे करना वो तो आपने बताया नहीं, बताता हूँ। देखिए अब जैसे मान लीजिए आप अपने मेन चैनल पर, जैसे मान लीजिए ये मेरा मेन चैनल है, अब जैसे मान लीजिए मैं अपने इस मेन चैनल पर कोई भी शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, करूँगा, कर लिया। तो अब करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आप जिस चैनल जीमेल आईडी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे मेन चैनल को, तो आपको क्या करना है उस अदर जीमेल आईडी के आपको क्या करना है सब्सक्रिप्शन वाले फीड पर चले जाना है। अब सब्सक्रिप्शन वाले फीड पर जैसे जाओगे तो आपको यहां पर अपना चैनल दिखेगा, आप जिस भी चैनल पर अपनी वीडियो को अपलोड कर रहे हो वो आपको यहां पर चैनल मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपना चैनल मान लेता हूं, टेक्निकल वो खर वाला मेरा चैनल है, या आपका जो चैनल आ जाएगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड देखने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शॉर्ट फीड का, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, आप जो भी लेटेस्ट अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे आपको अपनी अदर जीमेल आईडी से सब्सक्रिप्शन पर जाकर आपको इस तरीके से अपनी शॉर्ट वीडियो को प्ले करना है। अब ये इस तरीके से प्ले होगी, यानी कि शॉर्ट फीड से प्ले होगी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, ये तरीका मैंने इसलिए बताया जब आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जा रही है तब आप ऐसा कर सकते हो। और आपको 10 जीमेल आईडी से एकदम से नहीं देखना है, आपको जैसे आपने 4 जीमेल आईडी से देख लिया मान लो एक ही बार में, तो आपको 10-15 मिनट का वेट करो, फिर अगली 4-5 जीमेल आईडी से आप फिर वॉच करो, समझ गए। इस तरीके से आप थोड़ा गैप दे के वॉच करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि यूट्यूब का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है SEO, इसको वो क्या करता है आपकी वीडियो का वो करता है चेक करता है कि हाँ इस वीडियो को लोग शॉर्ट फीड से देख रहे हैं, तो हमें इसको और ज़्यादा शॉर्ट फीड में भेजना चाहिए। इसी तरीके से आप कोई अदर मोबाइल में भी जीमेल आईडी क्रिएट करके अपना काम कर सकते हो। अभी हमें आपको एक तरीका और बता दो, इस तरीके से आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। प्ले हो जाने का दोस्तों जब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे कोई अदर जीमेल आईडी से, तो आपको क्या होगा यहाँ पर भी आपकी शॉर्ट वीडियो यहाँ पर आपको दिखेगी। यहाँ पर जब आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ पर भी आपको शॉर्ट वीडियो दिखेगी। तो यहाँ से भी आपको अपनी वीडियो को प्ले करके देखना है शॉर्ट फीड से। अगर यहाँ पर ना आए तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि आप सब्सक्रिप्शन पर जाकर अपनी शॉर्ट वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मेरा ही नहीं, देखो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल के लिए देखो टेक चैंपियन का ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर टेक चैंपियन सपोर्ट का भी आ गया, आगे कि नहीं आ गया भाई। जितने भी चैनल आपको मिलेंगे सारे लोगों के आपको शॉर्ट्स मिलेंगे, देखो यहाँ पर मिल गए। इसी तरीके से आपको सारे लोगों के शॉर्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये लोग भी इसी तरीके से अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कर लेते हैं। एंड अगर आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जा रही है तो इस ट्रिक का यूज करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एक बात मेरी गौर से सुनिए, आप लोग बड़बड़ाइएगा नहीं, वरना आप लोग क्या सोचते हो कि भाई मैंने आज ट्रिक लगाई एकदम से रिजल्ट मिल जाए, भाई एकदम से रिजल्ट नहीं मिलते। डेली इस काम को करो, 100% आपकी कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में जाएगी और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।